डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, टेंथ क्लास में जो हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे, वो चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति। क्या था उसका नाम? निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ रहे थे। और 7.1 का अगर बात करें तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के डिस्कस किया था। चलिए आगे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उसे हम लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है, यदि Q 0-1 बिंदुओं P 5-3 और R X 6 से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सवाल क्या बोल रहा है? तीन गो बिंदु है, एक Q बिंदु है उसका निर्देशांक दिया हुआ है, एक P बिंदु है उसका भी निर्देशांक दिया हुआ है, और एक R दिया है उसका भी निर्देशांक दोस्तों दिया हुआ है X और 6। फिर क्या बोल रहा है कि P और जो Q बिंदु है ना, वो R से समदूरस्थ है, और सम का मतलब होता है बराबर और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी। सवाल क्या बोल रहा है जरा अच्छा से सुनिए, P बिंदु Q बिंदु R से समदूरस्थ है। तो यहां पे जैसे मान लिया कि एक P बिंदु है, Q कहीं भी हो सकता है, ठीक है, अब R से समदूरस्थ है, तो R ऐसा जगह पे रखना है कि PR और PRQ दोनों बराबर हो जाए। तो मेरे हिसाब से यहां पे रखने से R को ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों इक्वल हो जा रहा है। यानी सवाल ये बोल रहा था कि P और Q दे देना चाहते हैं कि जो गलती हम किए हैं उस पर जरा सा फोकस कीजिएगा। हमारे पास तीन बिंदु है, P है, Q है और R है। फिर क्या बोला कि Q बिंदु सबसे पहले लिखता है, Q बिंदु जो है P और R से, Q बिंदु जो है P और R से। देखिए लैंग्वेज अगर आप गलती समझ जाएंगे ना तो मेरे तरह भी आपका गलती हो जाएगा, इसलिए और के पहले देखो सवाल को समझ जाओ। यहां पे बोल रहे ना कि Q P और R से समदूरस्थ है, तो किससे किससे है, तो Q जो है ना P और R से समदूरस्थ है, इसीलिए हम लोग यहां पे Q को बीच में रखेंगे। Q बिंदु जो है P और R से समदूरस्थ है, लेकिन हम जो है ना इसका मीनिंग गलत समझ लिए और फिर हम लोग को गलत सॉल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले सवाल को समझना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पहली फोकस होती है। तो बाय मिस्टेक जब हम लोग इसको समझने में गलत कर दिए तो आने वाले टाइम में भी सभी गलत। तो इसलिए आप इन चीजों पर गौर कीजिएगा। Q का वैल्यू 0-1 है तो आप यहां पे कर दो 0-1, ठीक है। फिर यहां पे करना है P की जगह पे 5-3, P के जगह पे 5-3। फिर क्या है, R X 6 है, तो अब देखिए R X 6 हुआ, तो अब हमें जो है ना चीजें कुछ इस तरीके से बोल रही है, तो X का मान ज्ञात करो। अब हमें जो सवाल बोल रहा है ना कि अब हमें यहां से, अच्छा यहां पे आप क्या क्या लिखेंगे कि दिया है, क्योंकि कौन कौन सा दूरियां बराबर है, तो PQ दूरी के बराबर है आपका QR दूरी, ठीक है, ये दोनों बराबर है। सबसे पहले आप PQ निकालेंगे, फिर QR निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। आप PQ तो निकाल ही सकते हैं ना, इसका इसका, लेकिन QR कैसे निकलेगा, तो QR हम निकाल कर दिखा देते हैं। रूट अंडर QR के लिए आप X में से 0 घटाइएगा तो 6 में से 1 को घटाना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा भी कर सकते हैं। हम अभी X1 इसको मान रहे हैं, X1-X2 यानी X-0 का होल स्क्वायर प्लस 6-1 का होल स्क्वायर, 6-1 का होल स्क्वायर, देख पा रहे होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे कि
यहां पे क्या हुआ, तो रूट अंडर एक्स में से जीरो गया कितना एक्स, और एक्स का बन गया स्क्वायर प्लस छ में से एक गया कितना हुआ पांच, तो यहां पे हो गया पांच का स्क्वायर, तो टोटल मिलाकर क्यू आर का वैल्यू। अब चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो पी क्यू के जगह पे आप क्या लिखिएगा, तो पी क्यू का दूरी सूत्र आप लगाइएगा पी और क्यू, ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर माने जीरो माइनस पांच का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई वन माइनस वाई टू यानी कि वन माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और क्यू आर कितना, तो रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस, क्योंकि पांच का स्क्वायर पच्चीस, फिर रूट से रूट जानते हैं ना कि दोनों तरफ कट जाता है, तो यहां पे आप जब आप देख पा रहे होंगे माइनस पांच का स्क्वायर कितना होता है, तो माइनस पांच का स्क्वायर होता है पच्चीस, सॉरी ये रूट से रूट तो कट गया ना, तो यहां हो गया पच्चीस, यहां कितना हुआ तो वन, और ये माइनस माइनस प्लस थ्री, तो प्लस थ्री यानी कि थ्री वन और फोर, फोर का स्क्वायर कितना सोलह इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस। तो अब हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, तो ये पच्चीस अगर उधर जाता है तो कट जाएगा ना, इधर बचेगा सोलह बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस, और ये उधर जाएगा तो माइनस पच्चीस, ये कट जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर सोलह, तो एक्स बराबर उधर जाएगा तो प्लस माइनस में लिखा जाता है रूट, ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर को उधर ले जाते हैं ना तो स्क्वायर रूट करते समय प्लस माइनस, तो यहां पे प्लस माइनस में आ जाएगा हम लोगों का सोलह का वर्गमूल चार। तो जब एक्स का वैल्यू दोस्तों प्लस माइनस चार हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम लोग एक बार एक्स के जगह पे फोर सिक्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसको माइनस फोर सिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल में हमें क्या बोल रहे हैं कि आप जो है ना क्यू आर निकालो, तो क्यू आर निकालेंगे तो दो वजह से निकालेंगे, समझ में आ रहा होगा, दो को लेकर, एक बार जीरो वन और फोर सिक्स, एक बार जीरो वन और माइनस फोर सिक्स, तो क्यू आर की दूरी निकल जाएगी। फिर बोल रहा है पी आर निकालो, तो पी और आर मतलब कि ये दूरियां, तो पी आर दूरी में भी जब आप निकालेंगे तो एक बार ये फाइव माइनस थ्री तो फिक्स है, लेकिन एक बार आप चार छ भी निकाल सकते हैं, माइनस चार छ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो काम है, इसमें एक्स का वैल्यू पूछ रहा था हम निकाल दिए हैं, इसमें इसमें बाद बाकी आपको क्यू आर निकालना है, फिर पी आर निकालना है, दो चीजें निकालना है। तो क्यू आर हम कैसे बोल रहे हैं, एक बार चार छ का इस्तेमाल कीजिएगा, एक बार माइनस चार छ का इस्तेमाल कीजिएगा, उसी तरीके से एक बार आप माइनस चार छ और पांच माइनस तीन, एक बार आप चार छ और पांच माइनस तीन, यानी एक्स का वैल्यू दो गो आया ना, प्लस में फोर और माइनस में फोर, तो एक्स के जगह पे दोनों यूज करके आप निकाल लीजिएगा इन चीजों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन था, और हम लोग शुरू में इसको मिस्टेक किए थे समझने में क्वेश्चन को, इसलिए आंसर हम लोगों को नहीं आया था, दैट इज अ माइनर मिस्टेक, ठीक है। इसलिए आप जो है क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग इसको ईमानदारी पूर्वक ध्यान से देखकर ही सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन, क्या बोल रहे हैं दसवीं क्वेश्चन, तो टेन नंबर क्वेश्चन है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई तीन छ और माइनस तीन चार से सम दूरस्थ है। सवाल क्या बोल रहा है कि एक्स वाई में हमें ऐसा संबंध बताना है, ऐसा संबंध बताना है कि दोनों दूरियां जो है सम दूरस्थ हो जाए। चलिए, तो एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, तो एक्स वाई जो है एक बिंदु जो है, मान लिया कोई बिंदु ए है, इसका निर्देशांक एक्स वाई दिया हुआ है, और ये दोनों दूरियां से सम दूरस्थ है, बराबर है, कौन कौन सा, तो ए को मान लीजिए बी जिसका वैल्यू दिया है तीन छ, और ए को दे दिया है सी, हम अपने से माने हैं,
और -3 और 4। हमें क्या बोल रहे हैं कि सवाल में बोला है कि ए जो है यानी कि ए वो बिंदु एक्स वाई है, ये दोनों बिंदु से सम दूरस्थ है, दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर है तब आपको x और y में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया है, AB बराबर AC सम दूरस्थ है, और AB का सूत्र से निकाल लीजिए दूरी सूत्र। तो A और B में जब दूरी सूत्र निकालिएगा तो आपको क्या क्या पता चलेगा, तो 3 - x² ठीक है, फिर प्लस y1 - y2² 6 - y² बराबर। अब निकालना है हमें AC, यानी कि ये AC, तो AC कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर ये x है और ये -3 है, तो ये जब घटाएंगे तो -3, तब ना इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि x1 - x2 का हॉल स्क्वायर होता है, तो ये माइनस कहां से, फार्मूला से, और ये -3 का -3 है। फिर इधर y है -4 का हॉल स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों तरफ अगर रूट रहता है, रूट से रूट कैंसिल होता है ना भाई, होता है। आप यहां आगे बढ़ेंगे, ये a - b का हॉल स्क्वायर बच रहा है, a - b का हॉल स्क्वायर क्या बनेगा, a - b का हॉल स्क्वायर a² + b² + b² लिख सकते हैं हम, x² - 2ab होता है क्योंकि यहां माइनस है, तो 2a की जगह पे 3, b की जगह पे x, ठीक है। अब आपको यहां पे भी a - b का हॉल स्क्वायर यूज करना है, तो यहां पे जब आप यूज करेंगे तो 6 का स्क्वायर a² + b² - y² - 2ab, क्योंकि a - b का हॉल स्क्वायर होता है -2ab, तो -2 a की जगह पे 6, b की जगह पे y = यहां पे आप देख पा रहे होंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहां बन रहा है x + 3 का हॉल स्क्वायर प्लस ये बन रहा है a - b का हॉल स्क्वायर। तो a - b का हॉल स्क्वायर का मतलब a की जगह पे 4y है, तो a² y² + b² का मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर -2ab, तो -2ab का मतलब -2 a की जगह पे y इंटू b की जगह पे 4। अब ध्यान दीजिए इन चीजों को, तो 3 का स्क्वायर कितना, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस x² माइनस 3 × 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y² माइनस 6 × 12y = इसको भी तो तोड़ सकते हैं a + b का हॉल स्क्वायर पे, तोड़िए, तो a + b का हॉल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो यहां हो जाएगा a² - x² + b² - 3² + 2ab, तो 2 × x × 3, ठीक है। फिर यहां पे करें तो y² - 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा -8y, ये वाला, ठीक है, नीचे लिख दिया गया है -8y। तो सब चीज हो गया है फिलहाल, अब कौन कौन सी चीजें बच रही है जरा देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बिना x वाला है, जैसे 9 है, तो इसको 9 का ऐड 36 के साथ करेंगे, और तो कोई बिना x या y वाला तो नहीं है, तो 36 और 9 जोड़िए तो कितना होता है 45, ठीक है। फिर प्लस x², ठीक है, और तो कहीं बाएं तरफ x² नहीं है, फिर x वाला जोड़िए तो और कहीं x नहीं है, मतलब कि -6x। फिर y² वाला इधर कहीं नहीं है, y² -12y = यहां x² + 3² 9 + 3 × 6x, फिर प्लस y²
प्लस 16 माइनस 18 सॉरी माइनस 8 वाई, ये चीजें हैं। ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे कि जो भी दाएं तरफ है आरएचएस में है सबको अगर इधर लाएंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, मतलब कुछ ऐसे। अब सबको पहले बाएं तरफ में जितना भी है सब आपको उसको उतार लो, 45 एक्स स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर माइनस 12y, इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 9, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 6x, इधर लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16, इसको लाएंगे तो 8y इक्वल टू में 0। ठीक है, यानी कि सब चीज जो दाएं तरफ था उसको हम लोग बाएं तरफ लाते हैं। अब आप देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये कट गया। वाई स्क्वायर भी प्लस में है, वाई स्क्वायर माइनस में है, ये चीजें कैंसिल आउट हो गया। फिर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का ये माइनस में 6x है, यानी कि अब जो है ना हम लोगों को जोड़ देना है। जैसे 45 है बिना एक्स वाई वाला 45 है, 45 में से आप 9 घटा दीजिए तो 45 में से 9 गया तो कितना हुआ 36, और 36 में से फिर 16 घटा दीजिए तो 36 में से 16 गया कितना बचा 20। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम लोगों का 20 हो गया। फिर बात किया जाए तो एक्स वाला कहां कहां है, तो एक एक्स यहां है और एक एक्स यहां है, तो माइनस 6x और माइनस 6x टोटल मिला के कितना हो गया माइनस 12x। अच्छा, फिर y वाला पे ले लेते हैं, तो ये 12y है और ये प्लस 8y है, तो यहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे तो कितना आ रहा है, तो माइनस में 12 और प्लस में 8 कुल मिलाकर कितना हुआ माइनस में 4y बराबर में 0। ठीक है, तो x और y में हम लोगों को संबंध बताना था, एक्स और वाई में संबंध क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे हम लोगों को जो संबंध आएगा वो कैसे आएगा जरा चीजों को देखिए। तो पहले तो यहां से 4 कॉमन हो रहा है, सबसे पहले 4 कॉमन हो रहा है, 4 यहां कॉमन करेंगे तो 4 × 5 = 20 माइनस 3x माइनस वाई बराबर कितना दोस्त 0। हम लोग जानते हैं ना कि जो चीजें यहां गुना होता है कहां जाता है भागा में, यानी कि 5 − 3x − y बराबर में 0/4। और 0 में किसी संख्या से भी भाग देते हैं ना दोस्त, याद रख लो आप 0/ कुछ भी नंबर संख्या कितना आता है आंसर 0, 0/ नंबर 0, नंबर मतलब 1, 2, 8, 0/10, 0/80 कुछ भी रहेगा हम लोगों को रिजल्ट 0 मिलेगा। यहां पे देख पा रहे होंगे 5 − 3x − y = 0। अब आप यहां से x और y में रिलेशन पूछ रहा था, तो x और y में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा एक चीज यूज करेंगे, वो चीज क्या है, तो ये सभी चीजें जो है ना उधर कर दो आप, तो ये इधर सबको बना लो रेड साइड लेफ्ट साइड 0। ठीक है, और इस 5 को जब आप उधर कीजिएगा तो −5। ठीक है, इस −3x को जब आप उधर करोगे +3x, और जब इसको −y को उधर करोगे तो +y। तो कुल मिलाकर एक तरफ हम 0 बनाना चाहते हैं तो सबको हम लोग राइट साइड भेज दिए, सबको अगर हम लोग राइट साइड यहां पे भेजेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम लोगों का जो आंसर है वो पहले लिखा है आंसर में 3x, फिर +y, फिर −5, फिर −0। तो ये हम लोगों का सटीक आंसर है। तो इस तरीके से आज हम लोग 7.1 के टोटल क्वेश्चंस को एंड कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं दोस्त, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में नई चीजों को पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।